बाय द एंड ऑफ ऑल ऑफ दिस आई रियलाइज कि अभी भी मैं वही क्वेश्चन पे हूं और अभी भी मुझे कहीं पर कोई कॉन्क्रीट आंसर मिल नहीं रहा। सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूं, दुनिया को मैं जवाब दूं तभी तो मैं भगवान हूं। सो दिस इज माई जर्नी फ्रॉम बिलीविंग इन गॉड टू क्वेश्चनिंग कि क्या यह सच है कि भगवान है। आई स्टार्टेड इन हिंदू हाउस होल्ड, सारा स्टिमुलेशन मिलता है इन हिंदू हाउस होल्ड, तुम्हें सारे सुपर हीरो मिल जाते हैं। देयर इज हनुमान द ब्रूट मेल फिगर जो हर एक मेल बच्चा कैन लुक अप टू। दिस रामा, यू नो, दिस क्वाइट पीसफुल इन काम येट विक्टोरियस। एंड देयर इज शिवा हु हैज द ड्रेड्स, तो वो तो कूल है ही है और साथ में ही इज डीप एंड मिस्टीरियस। And then there is Krishna, who is genius, yet the ladies man. So बहुत सही influence और मज़ा चल रहा है बस। बचपन is a fairy tale. और मेरे को कोई बड़ी problems थी नहीं बचपन में कि मैं suffer कर रहा हूँ, you know, I am questioning my existence. What is the purpose of my life? फिर आती है adult life और सारे पंगे शुरू, बंदी के चक्कर, दोस्त दुश्मन बन रहे हैं, दुश्मन दोस्त बन रहे हैं, parents के साथ अलग पंगे चल रहे हैं, life पता नहीं किधर जा रही है। तब I felt the need for spirituality or I was like, okay, let's explore. और भी religion है दुनिया में। I didn't become a full-on Muslim, but I started exploring Islam. So as a Hindu, Islam explore करते हो, obviously बहुत सारी problems आई because मेरे को बहुत सारे अपने पुराने belief systems पहले तो destroy करने पड़े। तब इतना ज़्यादा contradictory information थी कि I was like, okay, oh, I didn't know कि ऐसा भी हो सकता है। But it's a beautiful religion. I explored that to the extent that I could. Then I was like, why stop at Islam? क्रिश्चियनिटी है, जूडिज्म है, ज़ोरास्ट्रिज्म है, डाओइज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है। तो बाय द एंड ऑफ ऑल ऑफ दिस आई रियलाइज कि अभी भी मैं वही क्वेश्चन पे हूँ और अभी भी मुझे कहीं पर कोई कॉन्क्रीट आंसर मिल नहीं रहा। भाई रिलीजन का क्या है कि हर रिलीजन शुरू तो ऐसा ही होता है कि इट अटेम्प्ट्स टू आंसर कि ह्यूमन सफरिंग कैसे खत्म करें और आखिर में बन जाता है वो ऑल अबाउट रिलीजन। तुम भूल जाते हो उस क्वेश्चन को और फिर यू आर ऑल अबाउट योर रिलीजन एंड देन सफरिंग बिगिंस अगेन। तो वो कोई फायदा नहीं हुआ। ओके, रिलीजन नहीं तो और क्या, फिलोसफी पढ़नी शुरू कर दी, बुक खरीदी है, उसमें बहुत सारे फिलोसफर्स थे फ्रॉम प्लेटो टू पता नहीं क्या क्या, मैंने नाम भी नहीं पढ़े और मैं बस पढ़ने लग गया। लाइक ओके, पढ़ो 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 पढ़ो, सब पढ़ रहा हूँ और डेफिनेटली आई फेल लाइक मेरी सारी जो दीवारें मैंने आसपास खड़ी करी थी वो बड़ी होने लग गई, मेरी जो पहुँच थी दिमाग की वो थोड़ी बहुत खुलने लग गई। एंड आई रियलाइज कि भाई रिलीजन भी जो क्वेश्चन को आंसर कर रहा है उसको आंसर करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे फिलोसफी। फिलोसफी से हटा, फिर आई graduated in psychology from Delhi University. तो वहाँ पर scientific evidence based answers थे for same questions. तो अब मेरे पास इतने सारे questions के इतने सारे अलग अलग answers थे ना कि I started picking bits and pieces from all of these. थोड़ा religion से, थोड़ा psychology, थोड़ा philosophy. पर I realized कि I cannot bound myself to any one single thought. ऐसा क्योंकि I don't believe in anything. But then उसकी अलग problem है because atheist एक extreme पे है जो बोलता है कि God doesn't exist. और रिलीजियस बंदा एक एक्सट्रीम पे तो बोलता है कि गॉड एग्जिस्ट्स। ये एथीस इस पॉसिबिलिटी में विश्वास नहीं रखता कि गॉड कैन एग्जिस्ट और ये रिलीजियस बंदा इस पॉसिबिलिटी में विश्वास नहीं रखता कि गॉड कैन नॉट एग्जिस्ट। और मैं बिल्कुल भी इस किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं था, मैं अभी भी क्वेश्चन कर रहा था। तो मैं आ गया बीच में, विच इज़ वेयर आई एम राइट नाउ, एग्नोस्टिक एथीस्ट। अब यहाँ से ना मुझे सबकी रियलिटी दिख रही है बिकॉज मैं सेंटर पे हूँ, मैं कॉर्नर्ड नहीं हूँ, तो मेरा व्यू 360 डिग्री का है। बट जो रिलीजियस बंदा है ना वो देख नहीं पा रहा बाकियों को, वो एथीस को नहीं समझ पा रहा, जो एथीस बंदा है वो रिलीजियस लोगों को नहीं समझ पा रहा। बट मेरे को क्या फ़ायदा हुआ इससे कि मैं सबके लिए बहुत एक्सेप्टिंग हूँ। अगर मेरे पास कोई रिलीजियस बंदा आके बात करता है मैं उसके साथ उतना ही कूल हूँ जितना मैं किसी एथीस के साथ हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये लोग भी सेम क्वेश्चन का ही आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें आंसर मिल रहे हैं रिलीजन के थ्रू तो प्लीज़ गो अहेड, बहुत बढ़िया यार, गुड फॉर यू। मैं यहाँ पे बीच में तब तक हूँ जब तक मुझे कोई रिलीजियस बंदा प्रूव कर दे कि देर इज़ गॉड, या फिर एथीस बंदा प्रूव करके कि देर इज़ नो गॉड। बट अभी तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, और मुझे वो वाला प्रूफ नहीं चाहिए कि जैसे हवा है हवा को छू नहीं सकते, ऐसे ही भगवान है उसको देख नहीं सकते, ये प्रूफ मेरे को नहीं सेटिस्फाई कर रहा। अगर ये किसी को सेटिस्फाई कर रहा है गो हैड, बिकम अ रिलीजियस पर्सन, बिलीव इन गॉड, इट्स ऑल राइट। बट मुझे चाहिए मेरे लिए सेटिस्फैक्शन, मैं सेटिस्फैक्ट्री आंसर पर अभी तक नहीं पहुँच पाया तो आई एम क्वेश्चनिंग। जब तुम्हें आंसर नहीं मिला तुम क्वेश्चन ही करोगे ना। आई जस्ट क्वेश्चन एवरीथिंग, आई डोंट हैव एनी आंसर्स येट। तो उससे क्या होता है कि मैं हर जगह बहुत चिल होके जा सकता हूँ,
हर बंदे की समझ सकता हूँ, सुन सकता हूँ, और मैं कभी ये झमेले में पड़ता ही नहीं है कि मैं सही हूँ, तू गलत है, मैं सही हूँ, ये सब चीज़ें मेरे लाइफ में है ही नहीं। तो बढ़िया, क्वेश्चन करता हूँ तभी तो इंसान हूँ, राइट? इंसान अगर क्वेश्चन नहीं करेगा तो और क्या करेगा। मैं क्वेश्चन करता हूँ तभी तो मैं इंसान हूँ। सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूँ। दुनिया को मैं जवाब दूं तभी तो मैं भगवान हूँ।